गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे हो गया है फ्रेंड्स 11 बजे का टाइम, और मैं ना आज बहुत लेट सो के उठ रही हूँ, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं रात में ना 2:30 बजे से उठी हुई हूँ, और 2:30 बजे उठने के बाद ना मैंने 2:30 बजे में क्यों उठी, रीज़न बहुत बड़ा था कि कल शाम को वही करीब 7-8 बजे के लगभग फ़ोन आया था मम्मी के घर से कि मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी मम्मी। तो फिर हम लोग खाना वगैरह खाने जा रहे थे, लेकिन फिर सब छोड़ छाड़ के हम और मेरे हस्बैंड गए, और मम्मी को वहाँ पे देखा तो मेरे सामने मम्मी को मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी सीरियस कंडीशन हो गई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ समझ हल्का फुल्का कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन ठीक से नहीं बता पा रही थी कुछ, और मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही कि उनको हो क्या रहा था। फिर उनका बहुत हम लोगों ने सीना इना मला दबाया, पीठ में ऑयल वगैरह मला, फिर उनका शुगर वगैरह चेक किया गया था, शुगर थोड़ी सी उनकी हाई थी। फिर उनको मेडिसिंस वगैरह दी, जो कि उनका कोई शुगर का इलाज नहीं चलता, उनका ऐसे कोई शुगर की प्रॉब्लम है नहीं, बट पता नहीं कैसे अचानक कल हो गया। और फिर उनको दवा दी तो ना उनको फिर मेडिसिंस वगैरह दी, और फिर हम लोग करीब वहाँ से 11 बजे के लगभग हम लोग घर आए, हम और मेरे हस्बैंड 12 बजे हम लोग सोए थे, और 2:30 बजे रात में फिर से फ़ोन आया मम्मी का। तो मतलब मेरी छोटी बहन है ना, वो एकदम घबरा गई कि हम मैं से बात हुई कि सुने मम्मी बिल्कुल बोल नहीं रही है, उनके हम हिला रहे हैं बिल्कुल कोई सेंस में ही नहीं ना। मुझे उठे हैं, फटाफट से बिस्तर छोड़ा और फटाफट से फिर हम और मेरे हस्बैंड यहाँ से निकले, और करीब 2:45 बजे तक क्योंकि उठे और थोड़ा कपड़े अपने अच्छे से पहन गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि गाड़ी नहीं है अभी तो स्कूटी से ही जाना पड़ा, और इतनी कड़ाके की ठंडी में। लेकिन हम लोग वहाँ 3 बजे पहुँच गए, देखा मम्मी को तो मम्मी की सीरियस आप सच मानिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और मेनली मैंने उनको सेकेंड टाइम देखा, लेकिन इतना जल्दी जल्दी कभी नहीं देखा। आज से 5-6 साल पहले मम्मी को ऐसा अटैक पड़ा था, लोग की तो हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि अभी 15-17 दिन के लगभग हुआ है पापा को गए, और उन्हीं के बारे में सिर्फ सोच सोच के मम्मी की ये कंडीशन है कि उनको अटैक पड़ा। इसी वजह से आज मैं बहुत लेट हुई हूँ, क्योंकि फिर हम लोग वहाँ से मैं सुबह लौट के आई अपने घर, करीब मैं आई थी 9 बजे, आज सुबह मैं 9 बजे आई, फिर अपने घर का सारा काम वाम किया, और फिर ना एकदम से रात के 2:30 बजे 12 बजे लेटे थे, 2:30 बजे उठे तो फिर नींद नहीं पूरी हो पाई थी। इस वजह से मैं काम वाम करके पूरा मैं फिर से थोड़ा लेटी तो नींद आ गई, तो अब मैं उठी हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं, तो अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अब नहाने धोने, और नहा धो के फ्रेश होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं कहूँगी। आज सिर्फ इतना आपसे कहना है कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कीजिए कि वो ठीक हो जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कल जो उनकी कंडीशन मैंने देखी है ना, कल के अभी सुबह 3 बजे के लगभग, तो बिल्कुल ये समझिए कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है जैसा उसने बताया फ़ोन पे ना कि मम्मी में कोई एक्टिविटी नहीं ना बिल्कुल हो, तो हम लोग को एकदम धक्का लगा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस समय मुझे सिर्फ आप लोग के प्यार और आप लोग के प्रेयर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मी के लिए प्रेयर कीजिए कि वो एकदम अच्छी हो जाए, क्योंकि अब हम लोग के मतलब कोई नहीं है हमारे घर में, हाँ मैं मेरी छोटी बहन है और सिर्फ मेरी मम्मी है, अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो हम लोग एकदम ये मानिए अनाथ हो जाएंगे, तो प्लीज़ प्रेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ फटाफट से, और ना अभी खाना ना खा लिया है मैंने, नाश्ता वगैरह, तो अब ठंड सी लग रही है तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ले ली है, और अभी अभी इनका फ़ोन आया था। तो जैसा कि आपको पता है कि गाड़ी बनने के लिए पड़ी हुई है, तो वहाँ से कुछ पता नहीं क्या है मेरे को, तो इन्होंने बोला कि 5 लीटर की कोई पिया जिससे नहीं कैन जैसा होता है, तो उस तरह का कुछ चाहिए, तो मैं जाती हूँ किचन में और ढूंढती हूँ, अगर कुछ मिल जाता है तो फिर धो के मैं इनको देना पड़ेगा, कि कुछ पता नहीं क्या पेट्रोल लाना है। तो अब यहाँ पे ना मैं ऊपर से उतार दे रही हूँ, एक तेल की रखा है, तेल का डिब्बा है थोड़ा बड़ा 5 लीटर का है ना, तो उसी को उतार दे रही हूँ, और इसको ही मैं धो के इनको दे दूँगी, और ये ना बैठे बैठे मेरा ठंड में काम बढ़ा देते हैं,
अभी ऐसी ठंड लग रही थी, अब मुझे इसको वॉश करने के लिए स्वेटर उतारना पड़ा, क्योंकि फिर ना आस्तीन से भीग जाता है, और इसी को कहते हैं ना कि बैठे बैठे काम बढ़ जाता है। अभी मैं एकदम फ्री बैठी थी और अचानक से फ़ोन आया और मेरा बढ़ गया काम। अब मैं इसको ही धो रही हूँ और देखती हूँ, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, बाकी इनको ये यूज़ में आना है या नहीं आना है, चलिए कोई नहीं। लेकिन एक ये डिब्बा भी मेरा साफ़ हो गया इसी बहाने से, बहाने बहाने से कई काम हमारे ईजी हो जाते हैं, सो आज भी हो गया। अब फ्रेंड्स इस समय ना शाम के बज गए हैं, 5:30 का टाइम हो गया है, और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ मेरा दिया भी जल रहा है। ये देखिए जो मैंने अखंड जो जलाई थी ना, तो वाला दिया जल रहा है, इसको तभी जलना ही है। और ना आज पूरा दिन निकल गया मुझे वेट करते करते कि मम्मी के पास जाना है देखने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई। लेकिन हाँ आज वहाँ मेरी परी चली गई थी। तो आज परी गई थी अपनी नन्ना को देखने के लिए, और उसको आने में हो गया काफ़ी टाइम, वो अभी आई है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी गाड़ी भी नहीं मिल पाई है, और आज देने को बोला था अभी वही करीब 4-5 बजे तक, लेकिन नहीं दे पाए वो लोग, शायद कुछ ज़्यादा खराबी होगी इस वजह से दे नहीं पाए हैं। तो लेकिन अभी भी है कि अभी शायद मिल जाए, अभी गए हैं मेरे हस्बैंड वहाँ पे, फ़ोन आया था उनका, तो गए हैं चेक करने के लिए, अगर मिल जाती है तो फिर मैं जाऊंगी, वरना वैसे अब तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है। और मैंने भी इनको बोला कि चलो नहीं मिलते अगर गाड़ी आज तो रहने दो, कल देखेंगे। आज तो मम्मी तो बिट्टू आई है ना वहाँ से, तो बता दी काफ़ी ठीक है नन्ना, एकदम मतलब ठीक है और चल फिर रही है आराम से। तो चलो बस उनकी मतलब पता चल गया ना कि वो एकदम ठीक है, मेरे को यही चिंता थी केवल कि कैसे जाए कैसे देखे जा करके, लेकिन अब पता चल गया है कि मम्मी ठीक है, तो अब मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और चढ़ा लेते हैं शाम के लिए कुछ खाना वगैरह। तो खाना दिन में सब्जी बनाई थी, तो वो अभी रखी हुई है, तो रखी हुई है सब्जी, तो अभी मैं बनाऊंगी दाल केवल। तो चढ़ा देती हूँ फटाफट से दाल, चढ़ा दी मैंने दाल, और शाम को ज़्यादा खाना बनना होता नहीं है आपको पता ही है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ, तो फ्री टाइम में ही लगता है ना कि लाओ कुछ अलग से कर लें, और वैसे भी पूरा दिन सिर्फ वेट वेट में कि अभी आ रहे होंगे जाएंगे, आ रहे होंगे जाएंगे, मैं हम कहीं ना जा पाए और ना ही कुछ काम कर पाए। और ये लोग देखिए शाम हो गई है ना, फ्री हैं ये लोग भी, तो इनका लग गया है विराट का गॉगल और परी का रिमोट, और लगा लिया है टीवी में इन्होंने अपना गेम कॉन्ट्रा। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाएं, पहले थोड़ी सी लाइट ऑन कर ले क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है, अब ठीक है। तो ये दिखाएं आपको विराट की बदमाशी कि विराट ने क्या किया है। ये देखिए विराट ने मेरी डमी के जिसमें मैं हेयर स्टाइलिंग करती हूँ ना, ये देखिए उसके मुंह पे पूरा कैप लगा दी, कैप दिया था विराट को लगाने के लिए, तो उसने इसके लगा दिया है कैप, कह रहा है कि ऐसे अच्छी लग रही है, इसके मुंह पे कैप लगाइए, ये विराट की बदमाशी है, इतना बदमाशी करता है लड़का।